हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीष अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ योगा 101 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया के ज़्यादातर देश लॉकडाउन हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। यह वायरस बहुत ही जानलेवा और ख़तरनाक वायरस है। यह एक इंसान से दूसरे इंसान में संक्रमण से फैलता है। ऐसे में किस तरह अपने आप को बचाया जाए इस वायरस से, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी का है। अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी तो हम इस वायरस से बच सकते हैं। यह वायरस उन लोगों में ज़्यादा इफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। अभी तक की रिसर्च से पता चला है कि जो लोग दुनिया में जितने भी लोग इससे मारे जा चुके हैं या संक्रमित हैं, वो ज़्यादातर या तो बच्चे और वृद्ध हैं या वो लोग हैं जिनको पहले से कोई दूसरी रोग भी है। योगा एक बहुत सीधा, सरल और प्राकृतिक उपचार है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का। योगा से हम अपने शरीर और मन को तनाव से मुक्त रख सकते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक है। आज हम करेंगे 5 प्रभावशाली योगासन जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आइए चलते हैं हम अपनी योगा मैट की तरफ। हरिओम। अब हम करेंगे सर्वप्रथम परिवर्त त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 1 मीटर का अंतराल। अपने दाहिने पैर को दाईं तरफ ले जाएं, बाएं हाथ को ऊपर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों की तरफ देखेंगे, होल्ड कीजिए 15 से 20 सेकंड पोस्चर को, धीरे से ऊपर आ जाए। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे सेम पोस्चर, बाएं पंजा बाईं तरफ, दाहिना हाथ ऊपर, धीरे से नीचे सांस छोड़ते हुए, होल्ड कीजिए 15 से 20 सेकेंड, धीरे से ऊपर एंड रिलैक्स। श्वास लेते रहना है पूरे पोस्चर के दौरान, पूरे आसन के दौरान। अब हम करेंगे वीरभद्रासन। एक बार फिर दोनों पैरों के बीच में 1 मीटर का अंतराल, दाहिना पंजा दाईं तरफ, अपने नी को 90 डिग्री तक बेंड कीजिए, दोनों हाथ ऊपर सांस लेते हुए, होल्ड कीजिए पीछे की तरफ झुकते हुए 15 से 20 सेकेंड, धीरे से वापस आइए। अब दूसरी तरफ से करेंगे बायां पैर का बायां पंजा बाईं तरफ, दोनों हाथ धीरे से ऊपर, घुटने को मोड़ते हुए पीछे की तरफ बेंड जितना हो सके, सांस लेते रहिए, होल्ड कीजिए 15 से 20 सेकेंड, आफ्टर दैट धीरे से वापस आ जाइए एंड रिलैक्स। सांस लेते रहना है प्रत्येक पोस्चर में, प्रत्येक पोस्चर के दौरान बिल्कुल भी सांस नहीं रोकना है। अब धीरे से लेट जाइए अपने पेट के बल मकरासन में, आपका सिर दोनों हथेलियों पर रेस्टिंग पोजीशन में। अब हम चैंट करेंगे मकारा, इनहेल डीपली, वाइब्रेशंस को महसूस करें। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैरों को साथ लाइए, दोनों हाथों के हथेलियों को अपनी लास्ट रिब केज के पास, सांस लेते हुए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऊपर, सिर को पीछे ले जाइए जितना हो सके, धीरे से अपने शरीर को नीचे की तरफ लाते हुए सांस छोड़ते समय एंड रिलैक्स। अब शवासना में लेट जाइए पीठ के बल, प्रत्येक पोस्चर को रासना में आपको सांस लेते रहना है, बिल्कुल भी सांस को होल्ड नहीं करना है जब तक कहा न जाए। अब हम करेंगे सेतु बंधासन, ब्रिज पोस्चर, दोनों पैरों को साथ ले आइए, दोनों पैरों को आप फोल्ड कीजिए, पैरों के बीच 1 फीट का अंतराल, दोनों हाथ शरीर के साइड में, सांस लेते हुए ऊपर शरीर को, सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाएं, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड कीजिए 15 से 20 सेकेंड, सांस लेते रहिए, छोड़ते समय नीचे एंड रिलैक्स।
अब हम करेंगे सर्वंगासन, क्वीन पोस्चर ऑफ द योगा। दोनों पैरों को साथ लाएं, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए, अपनी हथेलियों का सहारा देते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते हैं ऊपर उतना, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। होल्ड कीजिए 15 से 20 सेकेंड और धीरे से अब नीचे लेके आए अपने शरीर को। वेरी गुड। आसनास के बाद अब हम 7 से 10 मिनट का रिलैक्सेशन करते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होता है अपनी हृदय गति को सामान्य करने के लिए, अपनी श्वास गति को सामान्य करने के लिए। प्रत्येक पोस्चर में आपको ध्यान रखना है कि श्वास चलती रहे। श्वास को भी होल्ड करने से आप जल्दी थक जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये था हमारा आसना पार्ट। थैंक यू। हरिओम। ओके, तो सम की पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी है बताना। जैसा कि पहले भी मैं आप बता चुका हूँ, अपने शरीर को कभी भी फोर्स मत कीजिए किसी भी योगा पोस्चर को करने के लिए। आप जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक जाइए। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। योगा में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और आप एक पोस्चर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे यदि आप उस पोस्चर को धीरे धीरे कंटिन्यूटी कर रहे हैं। रेगुलरिटी भी बहुत ज़रूरी है योगा में किसी पोस्चर को अच्छे से करने के लिए। ओके, अब हम चलेंगे प्राणायाम की तरफ। ये वायरस हमारे फेफड़ों को और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत इफ़ेक्ट करता है। ये सीधा असर हमारे फेफड़ों और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही करता है। ऐसे में प्राणायाम की भूमिका बढ़ जाती है। सबसे पहले आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपको एक्टिव एक्जेलेशन और पैसिव इनहेलेशन रहेगा। ध्यान दीजिए, ये था कपालभाति प्राणायाम। ये आपको अराउंड 5 से 7 मिनट तक करना है बिगनर्स के लिए। जो पहले से ही कर रहे हैं उनको बढ़ा के 10 मिनट तक कर सकते हैं। 5 मिनट से 10 मिनट से ऐसे आपको करके धीरे धीरे बढ़ाना है। 5 से 7 राउंड, फिर 10 राउंड, फिर 15 राउंड, ऐसे आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक राउंड के बाद कम से कम 15 से 20 सेकंड का गैप दीजिए। हर राउंड जो है कम से कम 80 स्ट्रोक्स का होगा, यानी 80 बार आपको सांस लेनी छोड़नी है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक्स। तो ऐसे में आपको 80 से 100 बार प्रत्येक राउंड में करना है। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम आता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। कैसे करेंगे? नासिकाग्र मुद्रा अपनाएंगे। इसमें हम अंगूठे को और रिंग फिंगर को यूज़ करेंगे। अपनी राइट नोस्ट्रिल को अपने अंगूठे से बंद कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा सांस लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को अपने रिंग फिंगर से बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से राइट नासिका से छोड़ेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से छोड़िए। तो ये था एक राउंड। ऐसे आपको कम से कम 12 से 16 राउंड और 5 मिनट तक करने हैं। धीरे धीरे आप इसको भी बढ़ाइए, कम से कम 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे में आपको ये बढ़ाना है। तीसरा प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने चेहरे पर रखिए, जैसा मैंने रखा है वैसे ही रखना है। कान को अपने अंगूठे से बंद कीजिए, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बस धीरे से स्लाइटली, यस। और अपनी जिह्वा को दांत के ऊपर वाले भाग पे टच करना है, ऐसे। गहरा लंबा सांस लेंगे, तो ये था भ्रामरी प्राणायाम। ये भी आपको कम से कम 12 से 16 राउंड और 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। इसके साथ आता है ओमकारा चैंटिंग। ओमकारा चैंटिंग बहुत ही सीधा और सरल है। नासिकाग्र मुद्रा, गहरी लंबी सांस, ओम।
था ओमकारा चैंटिंग, इसको भी आप 5 से 7 मिनट तक कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ाइए। प्रत्येक प्राणायाम में आपको ध्यान रखना है आपकी कमर सीधी रहेगी, आपकी गर्दन सीधी रहेगी। प्राणायाम हमारी सांस को लंबा करता है, ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे फेफड़ों को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे प्राण ऊर्जा बढ़ती है जो हमें जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब प्राणायाम के बाद आता है ध्यान। ध्यान हमारे शरीर और मन दोनों को शांत करता है। 20 मिनट का ध्यान प्रतिदिन आपको हर प्रकार के तनाव से दूर रखने में सक्षम और लाभदायक है। ध्यान के अंदर हम अपनी श्वास पर ध्यान लगा सकते हैं, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पूरा ध्यान अपनी श्वास पे। यदि आपका मन इधर उधर डोलता है, भागता है, तो उसको वापस पकड़ के लाना है, वापस से ध्यान अपनी श्वास पे लगाना है। निराशा बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लाना है कि मैं नहीं कर सकता, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब आपके मन की चाल है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस प्राणायाम इसकी ध्यान की करते रहेंगे, धीरे धीरे आपका ध्यान भी लगता रहेगा। हमारा मन एक जंगली बंदर की तरह होता है जो इधर उधर उछलता रहता है, अगर इसको अच्छे से हम प्रशिक्षण दें तो ये भी एक जगह स्थिर हो सकता है। आज के सिनेरियो में फ्रेंड्स, देख के लगता है कि भविष्य में हमें स्वास्थ्य समस्याओं और वायरसेस का सामना करना पड़ सकता है, तो क्यों ना उसकी तैयारी हम आज से स्टार्ट करें और अपने शरीर को स्वस्थ और सदृढ़ बनाएं, जो हमें भविष्य में भी बहुत लाभदायक होगा। यदि आपके कोई प्रश्न और सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हरिओम।